यहाँ पर ये माना जाता है कितनी ज़्यादा हॉन्टेड जगह है यहाँ पे, दिन में भी आना अलाउड नहीं है, ठीक है। पर हम जैसे जैसे दिन में भी आ गए यहाँ पे, और यहाँ पर आपको सीन दिखा दिया मैंने कितनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, मतलब कुछ टाइम से यहाँ पे, मतलब करीब 50 साल से 60 साल पहले लिखा हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से इस बिल्डिंग में अनाकृत अनाधिकृत व्यक्ति का आना सख्त, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी अनजान व्यक्ति का या जिसके इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ के बारे में, उसका आना सख्त मना है। बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए रिस्क लेने वाला हूँ, अंदर चल के देखने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या सीन है। ऊपर चलने वाले हैं और ये इसकी कंडीशन देख के आपको खुद ही पता लग रहा होगा कैसी लोकेशन है, तो अंदर चल के देखते हैं हमें क्या दिखता है यहाँ पे। तो चलो चलते हैं, आ जाओ भाई। तो गाइज देख के आप लोगों को खुद ही लग रहा होगा क्या बना हुआ है भाई ये। और यहाँ पर आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बट हम फिर भी जैसे तैसे वीडियो बनाने आ गए। ये देखो ये ऐसे एक रूम बना हुआ है, उसके देखो गेट के अंदर देख कर पता लग रहा होगा आपको कितना पुराना है ये, मैं ज़्यादा तेज नहीं बोलूँगा यहाँ पे। और ये देखो खिड़की हुआ जंगले, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये यहाँ पे एक टॉयलेट सा बना हुआ है, उसकी गंदगी देखो भाई कितना हो रखे है यहाँ पे। ये देखो कैसे टूटा सूटा पड़ा है सारा सामान वामान है। और आगे चलते हैं, एक और रूम है यहाँ पे, ये ऐसे किचन विचन टाइप की बनी हुई है। ये देखो भाई कंडीशन देखो कितनी ख़राब हो रखी है घर की, और माना जाता है ये हॉन्टेड है बहुत ज़्यादा। ये देखो भाई चलो, और एक और रूम ये बना हुआ है, यहाँ से बाहर से आगे का रास्ता दिखता है। ये देखो भाई इसकी कंडीशन देखो कितनी गंदी हो चुकी है, तो इसी से आपको पता लग गया होगा भाई कितना पुराना है ये। ये देखो गेट वेट सब टूटे पड़े हैं इसके। सो यहाँ पर क्या है ना, बिल्कुल भी अलाउड नहीं आना, और एक ऊपर जीने पर रास्ता जा रहा है, पहले हम इधर चलते हैं। चलना चलो। सो एक ऐसे रूम बना हुआ है, वो गंदगी देखो भाई कितनी ज़्यादा हो रखी है यहाँ पर। ये देखो चलो, और बस भाई एक और ऐसे एक किचन टाइप बना हुआ है, तो ये पता नहीं बहुत टाइम पहले की बनी हुई है। चलने वाले बिल्कुल ऊपर, और यहाँ ज़्यादा बोलना अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर बोलेंगे कोई आके तो सीन हो जाएगा। मास्क लगा देता हूँ। ऐसे भाई इस जगह पे ना ऐसा लगता है भाई 50 साल से कोई आया नहीं, 50 साल से, ठीक है। आगे चल के दिखाता हूँ आप लोगों को कैमरा से, ब्लर क्यों हो रही है भाई वीडियो, ब्लर क्यों हो रही है। हो गया, ये देखो, ये देखो गाइस, ये देखो आप इसकी कंडीशन देखो कितनी गंदी हुई हुई है। ये देखो, ये देखो भाई, मतलब हर रूम में एक जैसा ही बना हुआ है। बूंदा मोटा लोगों ने पी के फेंक रखे हैं। एक ऐसे रूम बना हुआ है, थोड़ा सा और ऊपर चलने वाले हैं, पहले यहाँ का सीन देख लो, यह खंडर पड़ा है। चलो चुप 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 आराम से, सुबह ज़्यादा हम चिल्लाएंगे। सो गाइस अब पता है क्या है, हम चलने वाले एक जगह ऊपर और, ठीक है। तो यहाँ पर ये माना जाता है कितनी ज़्यादा हॉन्टेड जगह है, यहाँ पे दिन में भी आना अलाउड नहीं है, ठीक है। पर हम जैसे जैसे दिन में भी आ गए यहाँ पे, और यहाँ पर आपको सीन दिखा दिया मैंने कितनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, मतलब कुछ टाइम से यहाँ पे, मतलब करीब 50 साल से 60 साल से कोई नहीं आया यहाँ पे। यहाँ की कंडीशन देख सकते हो आप, दिखाना भाई नीचे, ये देखो ऊपर खंडा भाई, भाई घर ना खंडा हो रखे बिल्कुल। चलो हम चलने वाले हैं थोड़ा सा ऊपर और देखते हैं ऊपर क्या सीन है, ठीक है। निशान हाथों के, ये पता नहीं हाथों के निशान किसी ने पंती वलती मार रखी है। चलो आराम से, चुप चुप चुप, बस यही था ऊपर। सो भाई इस जगह की जो हॉन्टेड चीज भाई, ये वो एक गेट बंद है, इसको खोलते हैं पहले। ये देखो, सो गाइस अभी ना, अभी हम सामने वाले में जो रेड है ना, उसमें चलने वाले हैं, रेड वाले बंगलों में। और ये देखो पता नहीं लोगों ने क्या बना रखा है। अब सीन क्या है ना, अब ना एक सामने एक और बिल्डिंग बनी हुई है,
सो हम सोच रहे हम उसमें चलते हैं ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भाई आना इतना रिस्क है ना, अगर यहाँ पर आपको किसी ने पकड़ लिया तो बहुत ज़्यादा सीन हो जाएगा ठीक है। तो इसी वजह से ना हम अब सामने वाले उसमें चलने वाले हैं, और देखते हैं वहाँ पर कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं हम। और ये जगह पर आना इतना इतना ज़्यादा रिस्क है ना कि कुछ भी हो सकता है आप लोगों के साथ ठीक है। क्योंकि ये भाई फ्लैट देख के हालत देख के पता लग गया होगा, वही देखो इसकी हालत देख के पता लग गया होगा कब से नहीं खुला है ठीक है, और यहाँ पे कब से कोई लोग एक कोई बंदा नहीं आया यहाँ पे ठीक है। तो हम जैसे तैसे करके अंदर घुस तो गए हैं, अब हम बाहर निकल रहे हैं। मैं तो अपना फ़ोन छुपाने वाला हूँ, अगर किसी ने हमें नीचे देख लिया वीडियो देख ली तो दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ ठीक है। सो मैं नहीं चाहता मेरी वीडियो डिलीट हो जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस पर। सो हम यहाँ से नीचे उतरने वाले हैं, देख है तो नहीं कोई, है तो नहीं कोई। सो भाई यहाँ से अभी कुछ झाँक रहा था मुझे ऐसा लगा ठीक है। तो हम यहाँ से उतर के दूसरी लोकेशन पे चलने वाले हैं, सामने वाली बिल्डिंग पे, क्योंकि पूरी अबंडन बनी हुई है इसी की तरह। और ये पीछे देखो आप खुद ठीक है, पूरे खतरनाक भाई, यहाँ ऐसा लगता कोई आया नहीं बहुत पहले से। तो मैं अपनी वीडियो रोकने वाला हूँ अभी और दूसरी लोकेशन पर बंगलों में अंदर जा रहा था। और ये देखो भाई सीन क्या है यहाँ का, कुछ लिख भी रखा है यहाँ पे, और ये ना बंद कर रखा है बिल्कुल, मतलब ये देखो, ये देखो क्या लगा रखा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि भाई ऊपर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ठीक है, क्योंकि ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हो रखी हैं पहले, किसी की मर वर गया तो कोई ठीक है। सो इस चक्कर में ना ये जगह बिल्कुल बंद कर, भाई क्या हो गया भाई, तो ये देखो ये जगह बिल्कुल बंद कर रखी है ठीक है। यहाँ पे गेट लगा रखा है लंबा सा ठीक है, और ये जगह बिल्कुल बंद कर रखी है, यहाँ पे आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और यहाँ से ऊपर का रास्ता था देखो यहाँ से। सो यहाँ पर मैं जाने की सोच रहा था, पर यहाँ पर दूसरी बिल्डिंग में चल के देखते हैं अभी दूसरी बिल्डिंग में क्या सीन है ठीक है। पता है क्या है ना, अभी मैं दूसरी जगह पर आया हूँ और यहाँ पर देखते हैं क्या सीन है। ओ भाई शिट, ये देखो गाइस ये वाला गेट भी बंद कर रखा है, और इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर ऐसी बहुत सी दुर्घटना हुई है ना जिसकी वजह से सारे गेट बंद कर रखे हैं, बट जो खुला हुआ था मैंने वहाँ जाके दिखा दिया आप लोगों को ठीक है। और यहाँ पर हमेशा गार्ड बैठे रहते हैं, बट आज क्या है ना, आज गार्ड नहीं, यहाँ पे हमारी किस्मत अच्छी थी तो हमने यहाँ की वीडियो शूट कर ली गाइस। ये देखो भाई साहब कतर जगह है भाई, कतर जगह है, यहाँ पर दिन में अलाउड आना नहीं है, रात में तो भाई भूल ही जाओ आप लोग आना ठीक है। ये देखो भाई घर की, थोड़ा सा नीचे से दिखा दो नीचे क्या बना रहा है यहाँ पे, भाई ये देखो यहाँ पर वो बना हुआ है, ये क्या मतलब, यहाँ पर बिजली बिजली की चीज़ें बनी हुई है, यहाँ से बिजली का सीन था ठीक है। और ये घर की कंडीशन देखो यार आप, कंडीशन देखो, ये ऊपर जाने का रास्ता था ठीक है, तो भी बंद कर रखा है ये। और मेरी हालत देख के पता लग गया भाई कितना रिस्क लेके वीडियो बनानी पड़ती है। और ये एक गेट है जो बंद पड़ा है, और दूसरा गेट ये भी बंद पड़ा है ठीक है। सो यहाँ पर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सो गाइस आप लोगों के लिए मैं इतना रिस्क लेता हूँ, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ यार, बहुत मेहनत करता हूँ, वीडियो में पसीना देख रहे होगे आप, दिन में आ जाता हूँ रात में आ जाता हूँ जहाँ भी मेरा मन करता है, सिर्फ आप लोगों के लिए गाइस ठीक है। तो ये वीडियो की लोकेशन दिखाता हूँ कितनी खतरनाक लोकेशन है भाई, ये देखो ऊपर, ये ऊपर देखो भाई, ये ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ठीक है। अगर हम चले गए ना तो मतलब यहाँ पर क्या रखा है, जिस बंदे ने अंदर चला गया वो वापस नहीं आएगा कभी भी, तो इसलिए ये गेट बना रखा है। तो यहाँ से जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और ये जगह इतनी ज़्यादा खतरनाक है ना भाई, इतनी ज़्यादा स्कैरी है ना ये जगह कि यहाँ पर दिन में भी अलाउड नहीं आना। और ये देखो पीछे पूरा खतरनाक बिल्डिंग बनी हुई है भाई ठीक है। सो गाइज आज की वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइज, थैंक यू।